हाय गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अभिषेक तोमोली, मैं आपको आया हूँ सीधे पहाड़ों पर। वेलकम टू माय नए ब्लॉग। गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जैसे कि आप देख रहे हो, राजा मोहध्वज की नगरी गढ़मोरा में कार्य प्रकृति पर जो संपूर्ण हो गया है, और आप देख रहे हो यहाँ का अद्भुत नज़ारा और सुबह का दृश्य। ये छतरी काफ़ी पुरानी है, इस छतरी की वजह से आपको कुछ तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ रहे आप, हमारे साथ बने रहे और अंत तक देखें। आपको ये गाय दिख रही है, काफ़ी संख्या में गायों की संख्या घट गई है, निरंतर घटती जा रही है। कोई पशु विभाग या पशु चिकित्सालय ध्यान नहीं दे रहा है, आप सभी ध्यान से देखें। इधर पानी की समस्या है, पानी नहीं है पहाड़ों पर, ये देख सकते हो आप। किस वजह से हरे पेड़ पौधे प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति बरसात नहीं हो रही है। हेलो गाइज, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर बिजली पड़ने के कारण ये विशाल का सांप जो जीव था, जो एक बिजली पड़ी, बिजली पड़ने के बाद यहाँ पर उसकी जो, ये देखो आप किस तरह से ये छप गई है, आप देख के आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये देखो सरप पर बिजली पड़ने पर इस तरह से हुआ। हेलो गाइज, आप देख रहे हो वो झरना, प्राकृतिक झरना जो बरसात नहीं आई है, तो यहाँ पर ये झरना सूख चुका है। और आपको एक और दिखाने वाला हूँ मैं, गोमुख जो गाय का मुख है, गोमुख ये आपको गढ़मोरा राजा मोरध्वज नगरी में देखने को मिलेगा। इसके पास नहीं जाएंगे हम, दूर से देख सकते हो आप। गोमुख विशाल का है, गोमुख ये देखिए किस तरह से सूख के सुस्त हो गया है। और ये कार्य प्रकृति फिर रहा जो देख सकते हो आप, किस तरह से चल रहा है। वेलकम टू माई नव ब्लॉग, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये गोमुख राजा मोहध्वज नगरी गढ़मोरा में काफ़ी मान्यता है, बरसात आती है जब यहाँ इसमें से पानी निकलता है गोमुख के अंदर से। और ये झरना भी बहुत ज़ोरों ज़ोरों से काफ़ी लोगों को फायदेमंद होता है जब ये झरना स्टार्ट होता है जब। और ऐसे देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, हमारे अभी तक अपने चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। आप सभी अपनी एक एक कमेंट दें, कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग कमेंट में बताएं। और कार्य प्रकृति पता जो आप देख सकते हो किस तरह से, ये देखो बैठने के लिए क्या सुविधा की गई है, ऊपर यात्रीगणों के लिए बाहर के जो आए हुए हैं। ये है गढ़मोरा में एकमात्र हनुमान जी के पुत्र मगध जी का एकमात्र मंदिर, हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से आपको दिखा देते हैं। एकमात्र मंदिर हनुमान जी का, हनुमान जी के पुत्र मगध जी का, हनुमान जी के पुत्र मगध जी का एकमात्र मंदिर विशाल गुफा है। आप अगले नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो आप ऐसी वीडियो। और आप देख सकते हो यहाँ का जब प्रसाद आती है काफ़ी अद्भुत नज़ारा। इसी के साथ अंत तक बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ ऐसी और वीडियो। कमेंट जरूर करें अपनी कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम अभिषेक तोमोली, सपोर्ट करें, अपनी कमेंट दें, अपने सुझाव दें। वेलकम टू, धन्यवाद।